Assalamu alaikum, class. This is Altaf Ahmed Kholachi, and I welcome to all of you in Altaf's online academy. Today, we are moving forward towards the tenses of, uh, towards the next tenses of active voice and passive voice. Uh, before it, we have covered uh, indefinite family inactivized and we have learned how to convert the indefinite family into passive passivize and after that we have learned uh, the tenses of continuous family uh, to convert into passive voice. and now it's the time to move on to learn about the tenses of perfect family uh, and we learn here that how we will have to convert the sentences वेन दे आर गिविन इन एक्टिवइज एंड हाउ हेव टू कन्वर्ट इन टू पैसेवाइज अच्छा इससे पहले हम इन डेफिनेट फैमिली के टेंसेज सीख चुके हैं कि अगर वो हमें एक्टिवइज़ के सेंटेंसेज में दिए जाएँ तो हम पैसेवाइस में कैसे कन्वर्ट करेंगे और आज हम इन शह मूव ऑन कर रहे हैं कि अगर हमें परफेक्ट टेंसेज के सेंटेंसेस दिए जाएं एक्टिव वाइस में तो हम उनको कैसे जो है पैसिव में कन्वर्ट करेंगे अच्छा अब ये बात याद रखने की है कि जब एक्टिवइस में आपको सेंटेंसेस मिलें परफेक्ट के फिर वो भले प्रेजेंट के हों पास्ट के हों या फ्यूचर के हों परफेक्ट टेंसेज आप सीख चुके हैं परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती हैं प्रेजेंट परफेक्ट की होती हैंव हैज़ प्लस थर्ड फॉर्म पास्ट की होती है हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ एक्शन वर्ब एंड फ्यूचर शल हैव विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ एक्शन वर्ब ठीक हो गया अच्छा जब आपको सेंटेंसेस दिए जाए एक्टिव वाइस में परफेक्ट फैमिली के और आपको कहा जाए कि इसको कन्वर्ट करें पैसे वाइस में तो आप क्या करेंगे आप टेंस जब परफेक्ट हो तो हेल्पिंग वर्ब इन पैसे वॉइस क्या होगा सेम यानी सेम का मतलब पहले भी मैं आपको समझा चुका हूँ अगर तो प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है अच्छा सेम का मतलब ये नहीं कि ऊपर ही हैज़ लगा हुआ है तो नीचे दे हैज़ लगेगा नहीं दे के साथ हैव ही लगेगा लेकिन देखें सेम का मतलब होता है कि प्रेजेंट का अगर सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट का तो हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट के ही यूज़ होंगे यानी हैव या हैज़ अगर पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है तो पैसिव में भी हेल्पिंग वर्ब पास परफेक्ट का एक ही है हैड वो सेम ही यूज होगा अगर फ्यूचर परफेक्ट का सेंटेंस है एक्टिव वाइस में तो पैसिव वाइस में फ्यूचर परफेक्ट के हेल्पिंग वर्ब्स शल हैव विल हैव ही यूज होंगे पैसिव वाइस में लेकिन डिपेंडिंग अपॉन द सब्जेक्ट सब्जेक्ट को देख कर ये यूज होते हैं अच्छा एक तो ये सेम यूज होंगे और प्लस में क्या होगा प्लस में इसके साथ लगेगा बेन ठीक है जैसे हम कंटिन्यूस में प्लस बींग लगा रहे थे सेम प्लस बींग इसी तरीके से यहाँ पर सेम हेल्पिंग वर्ब और प्लस में क्या लगेगा बिन अच्छा आप कैसे एग्जाम्पल आप देखें अब पहला हमारे पास सेंटेंस है ही हैज़ रिटिन अ स्टोरी ठीक है उसने एक ख, ए, कहानी लिखी है अच्छा अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हैज़ रिटन यानी कौन सा सेंटेंस है किस टेंस का है प्रेजेंट परफेक्ट का हैज़ हैव हैज़ निशानी है इसकी और ही के साथ लगता है हैज़ प्लस थर्ड फॉर्म ठीक हो गया अच्छा अब बाकी चेंजेस तो सेम है आ स्टोरी ठीक है ये तो ऑब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट बन गया आ स्टोरी ऑब्जेक्ट है यहाँ पर आ स्टोरी सब्जेक्ट बन गया ठीक है अब ये जो है ही ये कन्वर्ट हो गया बाय हिम में ही की ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होती है हिम और उससे पहले हम क्या अपने हाथ से लगाते होते हैं बाय ठीक हो गया अच्छा रिटर्न ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है और हमें पता है कि पैसिव में हम हमेशा थर्ड फॉर्म ही यूज़ करते हैं तो हेयर वी विल नॉट हैव टू कन्वर्ट इट इन टू एनी अदर फॉर्म बिकॉज इट ऑलरेडी हैज़ बिन गिवन इन थर्ड फॉर्म तो ये जो है वो सेम ही रहेगी अच्छा अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है हैज़ अब जैसे कि यहाँ पर लिखा था सेम सेम का मतलब है अगर यहाँ पर हैव हैव और हैज़ है प्रेजेंट का तो यहाँ पर हैव लग सकता है लेकिन डिपेंडिंग अपॉन द सब्जेक्ट यहाँ पर भी सिंगुलर सब्जेक्ट अ आ स्टोरी तो यहाँ पर सेम हैज़ ही लगेगा अच्छा हैज़ के साथ प्लस हमने क्या करना है बिन बिन ये देखें आप प्लस में आ गया इसके तो ये आपका सेंटेंस कन्वर्ट हो गया पैसे वाइस में ठीक हो गया अच्छा आप दूसरा सेंटेंस लें यू हैड मिस्ड देम अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट है दैम और ये यह यहाँ पर बन गया सब्जेक्ट ठीक अब यहाँ पर लिखा हुआ है यू सब्जेक्ट है यह ऑब्जेक्ट की जगह पर जाएगा यू की ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी यू ही होती है उससे पहले हम ऐड करेंगे क्या बाय ये हो जाएगा बाय यू उसके बाद मिस्ड ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है तो ये सेम ही रहेगा थर्ड फॉर्म में मिस्ड उसके बाद हेड अब पास्ट परफेक्ट की एक ही सिंबल होती है एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है हैड तो वो सेम ही रहेगी और प्लस में हमने उसके साथ क्या ऐड कर देना है बिन अब यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ हैड प्लस बिन तो ये आपका सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट वाइस में कन्वर्ट हो गया ठीक अब फ्यूचर का सेंटेंस देखें मिसबा विल हैव वन माय हर्ट मिसबा मेरा दिल जीत चुकी होगी ठीक है अच्छा अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ऑब्जेक्ट है माय हर्ट अब यहाँ पर ये यह सब्जेक्ट बनगा क्योंकि नाउन है तो ये सेम ही रहेगा माई हर्ट यहाँ पर मिसबा नाउन है लेकिन सब्जेक्ट है तो ये सेम ही रहेगा लेकिन उससे पहले ऐड हो जाएगा बाय मिसबा ठीक अच्छा एक्शन वर्ब की ऑलरेडी थर्ड फॉर्म दी हुई है उन्होंने वन तो ये सेम ही रहेगा वन विन वन वन ठीक हो गया अच्छा यहाँ पर है विल हैव तो हेल्पिंग वर्ब सेम ही रहेगा विल हैव माय हर्ट के हिसाब से विल हैव प्लस में हम इसके साथ ऐड कर देंगे बिन तो ये आपका सेंटेंस कन्वर्ट हो गए पैसे वॉइस में होपफुली ये आपको आज समझ आ गया होगा मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये पैसे वाइस आज हम करेंगे इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर होगा वो अगेन कॉम्प्रियशन का होगा थैंक यू वेरी मच